पिछले दो कार्यकाल में मोदी सरकार ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर खासा जोर दिया है। चमचमाती सड़कें, लंबे चौड़े एक्सप्रेसवे, वंदे भारत जैसी ट्रेन और वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट के बाद अब सरकार रोपवे कनेक्टिविटी पर फोकस कर रही है, जिससे भारत की सांस्कृतिक विरासतों तक श्रद्धालुओं की पहुंच बेहद आसान हो जाएगी। तीर्थ स्थलों के मार्ग को सुगम बनाने के लिए मोदी सरकार 225,000 करोड़ की लागत से 250 तीर्थ स्थलों में करीब 1200 किलोमीटर लंबे रोपवे मार्गों का निर्माण कर रही है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम में रोपवे शुरू हो चुका है। वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। इसकी मदद से यात्री रेलवे स्टेशन से सीधा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंच सकेंगे। और अब मोदी सरकार ने उज्जैन में भी करीब 1.7 किलोमीटर लंबे रोपवे की मंजूरी दे दी है, जिसकी मदद से बाबा के लाखों भक्त रेलवे स्टेशन से महाकाल के दरबार में मात्र 7 मिनट में पहुंच जाएंगे। इसी तर्ज पर केदारनाथ और सिखों के पवित्र हेमकुंड साहिब में भी रोपवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। केदारनाथ में करीब 1,026 करोड़ रुपए की लागत से 9.7 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण से 7 से 9 घंटे की दूरी महज 28 मिनट में तय हो जाएगी। हेमकुंड साहिब में करीब 942 करोड़ की लागत से 12.4 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण से 3 दिन की दूरी महज 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। इन रोपवे के निर्माण से मोदी सरकार एक ओर जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की तीर्थ स्थलों तक पहुंच को आसान बना देगी, वहीं देश भर में रोपवे का जाल बिछने से पर्यटन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और रोजगार से जुड़े कई नए रास्ते खुलेंगे।